हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप सबको चितरंजन चौहान का प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्तों का दुख दूर करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे और त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास काल में कौशल प्रदेश कहे जाने वाले इस छत्तीसगढ़ के रामगढ़ पर्वत में आए थे, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये है विश्व प्रसिद्ध बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक गुफा सीता पेंगरा, और साथ ही बगल में है इसके ये जोगी मारा की गुफा, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। तो यही वो गुफाएं हैं जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता मैया विश्राम किया करते थे, और अनुज लक्ष्मण जी गुफा के बाहर रखवाली किया करते थे। यहां अनेक रहस्य हैं। इन दोनों गुफाओं की सजावट और डिजाइन अद्भुत है, और यह महाकवि कालिदास की नाट्यशाला के पास में ही है। सीता बेंगरा की गुफा मूर्तिकला मंच की तरह ही दिखाई देती है। आजकल के विद्वान सीता बेंगरा की गुफा को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना ज्ञात प्रदर्शन मंच कहते हैं। यहाँ जोगी मारा की गुफा में शिलालेख मिले हुए हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि और मागधी भाषा में हैं। यहाँ जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, उनमें नाचती हुई लड़कियों के चित्र हैं, कई पुरुषों की कलाकृति है, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ लोग हैं, खेलती हुई एक लड़की है, उनका चित्र है, हाथियों का जुलूस है। और कहा जाता है कि ये चित्रकारी मौर्य काल के समकालीन है। सीता बेंगरा गुफा का महत्व एक नाट्यशाला के रूप में है। यहाँ कलाकार नीचे की ओर और दर्शक दीर्घा ऊंचाई पर बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि देवदासी सुतनुका ने इन भित्ति चित्रों का निर्माण कराया था। यहाँ एक चित्र में नृत्यांगना बैठी हुई स्थिति में है, गायकगण और नर्तकों की झुंड से वो पूरी तरह से घिरी हुई है। कहा जाता है कि ये गुफाएं एम्फी थिएटर से जुड़ी हुई थी, और कमरे को सजाने के लिए यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई थी। ऐतिहासिक काल की यह गुफा है, यहीं से भित्ति चित्रण की शुरुआत हुई ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर दीवार और छत पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। इस गुफा का निर्माण पत्थरों में ही गैलरी नुमा कटाई करके किया गया है। यह 44 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ी है सीता मेगरा की गुफा। सरगुजा बोली में बेंगरा का अर्थ कमरा होता है। यहाँ भगवान श्री राम के चरण चिन्ह भी अंकित हैं। तो ऐसा अद्भुत है यह रामगढ़ पर्वत, जिसे आप निहार रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबको प्रणाम।